से पैसे दे गए। मतलब खुदा का मम्मा क्या जमाना आ गया, दो बच्चे हैं तो दोनों को पैसे दे, एक को पैसे दे के फारिक हो गए। फातिमा जो छोटा होता है ना उसे पैसे देते हैं, पहले आप छोटी थी तो लोग आपको पैसे दे के जाते थे, तो फिर वो मेरे पैसे कहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल द इंटरनल ट्रुथ में। आज फिर से एक इंतहाई दिल लुभाने वाली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक है अलीज़ा शाह की ज़िंदगी को हिला देने वाली एक ऐसी खबर जो कि चंद दिनों पहले ही फैली। तो नाज़रीन वो खबर जानने से पहले आप सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी और आने वाली वीडियोज आपको बआसानी मिल सकें। शुक्रिया। Why are you so late, sir? Vona, Golu, speak in English. अबे यार सर, माय कार वाज फसिंग इन कीचड़, नो हीलिंग नो डूलिंग, ओनली भर भर भर। तो नाज़रीन वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हम बात कर रहे थे अलीज़ा शाह की ज़िंदगी को हिला देने वाली खबर के बारे में। अलीज़ा शाह पाकिस्तान की टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और एक्ट्रेस के साथ साथ मॉडल भी हैं। अलीज़ा शाह की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, लेकिन हालिया दिनों में एक खबर ज़ेरे गर्दिश हुई कि बहावलपुर के नवाब शकील आबासी ने अलीज़ा शाह को शादी की पेशकश की। इनकी उम्र इस वक्त 60 साल है। इनका दावा है कि इन्होंने अभी तक शादी इस वजह से नहीं की कि इन्हें अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई, लिहाजा वो अलीज़ा शाह को पसंद करते हैं और इनसे शादी करना चाहते हैं। और उनका कहना है कि अगर अलीज़ा शाह ने इनसे शादी की तो वह उन्हें 5,000 तोला सोना हक मेहर के तौर पर देंगे। और इस शादी से इनकार करने की अलीज़ा शाह के पास दो वजह थी, पहली कि इनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी और दूसरी कि अलीज़ा शाह पाकिस्तानी एक्टर नुमान समी से प्यार करती हैं और इनसे शादी करना चाहती हैं और वो भी इनसे शादी करना चाहते हैं। अलीज़ा शाह का कहना है कि इन्होंने शकील आबाजी के बुढ़ापे की वजह से इनकार नहीं किया, बल्कि वो नुमान समी से शादी करना चाहती हैं, इसी वजह से इन्होंने इनकार किया। अलीज़ा शाह अपने वालदेन की इकलौती बेटी हैं और उनके वालदेन भी इस शादी पर बिल्कुल रजामंद नहीं थे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी और आने वाली वीडियोज़ आपको बआसानी मिल सकें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।